प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं स्पेशल सर्वे अमीन के बारे में। तो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी जो है न्यूज़पेपर में दिया गया है, और ये आज के न्यूज़पेपर में जो है ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सर्वे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। ज़मीन सर्वे के बाद नए सिरे से निर्धारित होगा लगान, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10,101 सेवा कर्मी की बहाली के बाद सभी जिलों में एक साथ शुरू होगी ज़मीन का विशेष सर्वेक्षण। 20 जिले के 89 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। यहाँ पे आप और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य में ज़मीन के सर्वे के बाद लगान भी नए सिरे से निर्धारित होगा और आगे की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो जाएगी। सर्वे के बाद अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान और नक्शा के आधार पर ही आने वाले समय में दाखिल खारिज समेत अंचल के सभी काम किए जाएंगे। सर्वे का खतियान अंचल में पंजी 2 के रूप में उपयोग किया जाएगा। दाखिल खारिज भूमि की मापी समेत अंचल के सभी काम इसी आधार पर निपटाए जाएंगे। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 10,101 सर्वे कर्मी की बहाली के बाद एक साथ राज्य भर में शुरू होगी। बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फिलहाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 20 जिलों के 89 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। इसका मकसद जमीन का नए सिरे से जमीन का नक्शा मालिकाना हक की जानकारी दर्ज करना है। सर्वेक्षण का काम पूरा होने वाले ज़मीनों के रायतों की खतियान नक्शा और नागरिक अधिकार अभिलेख के रूप में ज़मीन के दस्तावेज दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे एक तरीके से आप बात किया जाए तो ये जो स्पेशल सर्वे का अमीन का जो बहाली आई है, ये बहुत जल्द जो है आपको जो है ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार कई बार पेपर में जो है दिया जा चुका है कि अंतिम चरण में है। तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ओके, एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो सर्वे वाला काम है, ये बोला तो जा रहा है कि 25 तक होगा, है ना, माने 2025 तक लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2025 तक संभव ही नहीं है क्योंकि 2024 आ गया है। अभी जो है 10,101 सर्वे अमीन जो है क्या ज्वाइन करेंगे तो अभी 18 जिला का बाकी है। बाकी 89 जिला में अभी चल ही, मतलब 20 जिले के 89 अंचलों में अभी काम चल रहे हैं। तो काम लंबा चलने वाला है। आप मान कर चलो कि 2030 तक आराम से घिंचाएगा, है ना, आराम से 2030 तक घिंचाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, आप बिंदास होकर अपनी जो है तैयारी करो। अगर आपका हो गया तो अच्छी बात है, आप अपना ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा वेट कर लो, ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और देखो, राजस्व विभाग को जल्दी है, लेकिन जब तक BCC बोर्ड उसे एक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। और आपको ये भी पता है कि 20 तारीख तक जो है मौका दिया गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करने का, मतलब अपलोड करने का। तो जो लोग अपलोड करेंगे तो 20 फरवरी के बाद 22-23 फरवरी के आसपास हो सकता है कि कोई अपडेट देखने को मिले BCC बोर्ड की तरफ से, और नहीं तो उसके बाद फिर आपका जो है आपको जो भी अपडेट आएगा उसके बाद ही है। कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि 20 तारीख तक अपलोड करने का है, तो 21 तारीख को चला जाए ये पूछने के लिए कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोग अगर पटना में हो तो आप जाकर पता कर सकते हो BCC बोर्ड ऑफिस। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या जुड़े हुए थे है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी इच्छा है ना।